श्री ईश्वर मनोहर उदासी नाथ शमजय नगर में 8 से 10 जनवरी तक आयोजित मेहंदी सरदास साहिब का 92वां 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव महंत स्वरूपदास के सानिध्य में समाप्त हुआ। इस अवसर पर महंत स्वामी स्वरूपदास जी ने कहा कि संतों ने जीवन भर सनातन धर्म की सेवा की है, उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में ऐसे संस्कारों को आत्मसात कर अपने जीवन को सफल बनाएं। शाम को स्वामी स्वरूपदास, स्वामी ईसरदास हनुमान भाऊ, स्वामी अमरलाल मोहनदास, स्वामी मनोहरानंद, स्वामी अर्जुनदास, साई गौतम सहित संतों ने प्रवचन दिए। भीलवाड़ा से आए पंडित चंदन शर्मा ने संतों महात्माओं को ब्रह्म भोज कराया। भारतीय सिंधु सभा के प्रदेश मंत्री महेंद्र कुमार तीर्थानी, कंवर प्रकाश कृष्णानी, मोहन तुलसियानी, प्रकाश जेठरा, पार्षद मोहन लालवानी उपस्थित थे। 10 जनवरी सुबह 9 बजे से हवन, 10 बजे ध्वजा प्रतिष्ठा, 11 बजे अखंड पाठ साहिब का भोग साहिब व सत्संग प्रवचन, दोपहर 1:30 बजे से भंडारा एवं शाम 7 बजे समाधि साहिब पर चादर चढ़ाई गई। रात 8 बजे से भगत व पल्लव प्रार्थना के साथ समापन हुआ। न तो असानी का ताकत है, ये परमात्मा अलग ही है, करे कराए रहवाए, और हम दरवेश ने असाने मथा आशीर्वाद ही महापुरुष जा दीरा गुरु आए भी इन संगत आए, संगत आए एक ही रहे बनी रहे सत्य ने असाने दीरा बसमा रहे आई ये महापुरुष ने करके संगत वदनीय वसली रहे ये देखो असाने आप कवि साहब सिंध जा मशहूर कंदस वणे तो तामी गाय न वणे तरे में गाय दवा वणंदी को वी जाए ही दवा ठीक वठन खाण सा असा ठीक स्वामी सचावा स्वामी ईसरदास सचावा स्वामी ईसरदास कयाहूं कुंडली मन में वास कयाहूं कुंडली मन में वास नगारो वीर बजाए व्या नगारो वीर बजाए व्या नगारो वीर बजाए नगारो वीर बजाए स्वामी सरदास कयाहूं कुंभली मन में वास कयाहूं कुंभली मन में वास नगारो वीर बजाए नगारो वीर श्री ईश्वर मनोदास आश्रम में 8, 9, 10 उत्सव था। सदगुरु बाबा ईसरदास साहब जी का जो सालाना उत्सव कुंभली माँ दरबार से मनाया जाता है, जो आज भी अजय नगर ईश्वर मनो उदासीन आश्रम स्थित मंदिर में सभी संतों महापुरुषों भक्तों के साथ मिलकर मनाया गया, जिसमें अनेकानेक संत महापुरुष महामंडलेश्वर स्वामी हंसरानी महाराज, महंत स्वामी हनुमानानी महाराज, सतना से स्वामी खेमनादास जो अखिल भारतीय सिंधु समाज के अध्यक्ष हैं, उनके परजंद और भी अनेक अनेक संत इस उत्सव में सम्मिलित हुए, जिसमें 9 तारीख को सामूहिक जन संस्कार किया गया, जिसमें करीब 50 बच्चों ने भाग लिया और सनातन धर्म का जो जन संस्कार वो धारण किया, वो सभी सेवा इस ईश्वर मन उदासीन आश्रम के तरफ से थी। और आज 10 तारीख को सुबह धर्म ध्वजा भी चढ़ाई गई संत महापुरुषों के द्वारा, भोग भंडारा और अनेक अनेक भक्तों ने इस शुभ कार्य में सम्मिलित होकर लाभ लिया। और रात्रि में आज समाधि पे चादर चढ़ाई जाएगी, उसके बाद पलव रात है, पलव रात यानी अरदास, अरदास यानी प्रार्थना, हम अपने गुरुजनों को अरदास करें तो हमारे घर में सुख और शांति, क्योंकि आज का जो समय है सर्वे भवंतु सुखिनः, आज के युग में अनेक अनेक तकलीफ हो रही हैं, हम अपने बड़े गुरुजनों की आज्ञा में रहकर उनके आशीर्वाद प्राप्त करके और उनके सानिध्य में हम सेवा और स्मरण करके अपना जीवन सफल बनाएं। और हम भी सभी इस आश्रम की तरफ से सभी भक्तों को, आए हुए देशवासियों को और सनातन धर्म प्रेमियों को ये शुभकामनाएं देते हैं, तो सदाएं फले फूले और सदाएं समाज की सेवा करते रहें। ओम शांति।
स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।